इंडिया गठबंधन में पीएम के नाम पर लेकर अभी भी खींचतान जारी है। ममता बनर्जी ने जो खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सहमति तो जता दी है, लेकिन गठबंधन की जीत को लेकर अब वो साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस पर वो असहमत है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने गठबंधन में पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। खड़गे के नाम पर प्रस्ताव के बाद गठबंधन में हलचल शुरू हो गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को पीएम उम्मीदवार को सही बताते हुए इसे इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बताया। इंडिया गठबंधन में चली आ रही उठापटक के बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। ये नीतीश जी गलत फहमी में है, बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिलता। जेडीयू शुरुआत से ही नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार बताने में लगी है। ऐसे में खड़गे का नाम सामने आने पर गठबंधन में खटास चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों ही राज्यों में मंत्री पद को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। आज दोनों ही राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 10वीं दिल्ली हवाई अड्डे की है, जहां से सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा के साथ राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री पद को लेकर दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भजन लाल शर्मा सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली तलब किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्री पद के बंटवारे को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज दिल्ली तलब किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहन यादव पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि एमपी के मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में कई दिनों से मंथन जारी है। मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो गई है। मोहन यादव की अगुवाई में आज उस लिस्ट पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।